दोस्तों, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल जो है ना, वो स्टार्ट होने वाली है और ऐसे में ये सेल अक्टूबर महीने में शुरू होने वाली है। और इसका एक वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ जहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इस सेल में कितना कितना क्या कुछ डिस्काउंट मिलेगा, किस कार्ड पर कितना डिस्काउंट मिलेगा, सबके बारे में उस वीडियो में बताया है। और जानने की कोशिश ये भी की है कि ये सेल किस तारीख को शुरू होने वाली है। और इससे अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने बताया है कि किस किस कार्ड पर कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी है, सब्सक्राइबर ने पूछा भी है कमेंट में कि इस फ़ोन पर कितना डिस्काउंट आएगा, इस फ़ोन पर कितना डिस्काउंट आएगा, यानी कि वो इंडिविजुअली जानना चाहते हैं कि कौन से फ़ोन पर कितना डिस्काउंट आएगा। तो वही सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। लगभग 15-20 स्मार्टफोन हैं जिनको मैंने कलेक्ट किया है। ये सभी स्मार्टफोन कम पैसे में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हमको देते हैं, फिर चाहे वो प्रोसेसर हो, डिस्प्ले हो, कैमरा हो, बैटरी चार्जर हो, सब में अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशन देते हैं। तो यहाँ पर ये सभी फ़ोन के बारे में हम जानेंगे कि सेल के दौरान यहाँ पर कितना डिस्काउंट हमको मिलेगा इन स्मार्टफोन्स में, और कार्ड मिलाकर हमको ये स्मार्टफोन कितने के पड़ने वाले हैं, वो सभी इस वीडियो में जानने वाले हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर राजपूत, आप देख रहे हैं टेस्ट गुरु जी। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला स्मार्टफोन निकल के आता है वो है यहाँ पर सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी A51। पिछले कुछ दिनों से ये इंडिया में नहीं दुनिया में नंबर वन बिकने वाला फ़ोन बना था, सबसे ज़्यादा बिका ये फ़ोन 22,999 रुपये की अभी इसकी करेंट प्राइस है। मैं यहाँ पर सभी स्मार्टफोन्स की जो बेस वेरिएंट की बात करूँगा, 22,999 करेंट प्राइस है इसकी, और इस पर लगभग 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, ये तय है। उसके अलावा अगर आपके पास SBI का डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पर आपको लगभग 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से 3,500 रुपये की छूट इसमें मिल जाएगी। तो हो सकता है ये फ़ोन आपको जो है ना 19,000-19,500 रुपये के आसपास पड़े। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है तो उसमें भी आप एक्सचेंज डिस्काउंट ले सकते हैं एक्स्ट्रा, तो ये फ़ोन आपको और ज़्यादा सस्ता पड़ सकता है, 17,000-18,000 रुपये का भी पड़ सकता है। तो दूसरा फ़ोन मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर स्पेसिफिकेशन बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ। और इन सभी स्मार्टफोन्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनकी करेंट प्राइस भी चेक कर सकते हैं। तो दूसरा फ़ोन यहाँ पर निकल के आता है वो है मोटोरोला E7 प्लस। कुछ दिन पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, 9,499 रुपये का है ये फ़ोन। 48 मेगापिक्सल कैमरा मिल जाता है, स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट मिल जाता है। तो मोटो E7 ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी कम प्राइस में लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ पर 500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, इसके अलावा लगभग 1,000 रुपये के आसपास यहाँ पर कार्ड लगा के डिस्काउंट मिल जाएगा, 900 रुपये, तो ये फ़ोन 1,500 रुपये कम में मिल जाएगा, 7,000-7,500 रुपये में ये फ़ोन आपको मिल जाना चाहिए। अब तीसरा फ़ोन जो निकल के आता है वो निकल के आता है पोको M2। वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है ये, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, चाहे कैमरा हो, चाहे प्रोसेसर हो, डिस्प्ले वगैरह, चाहे बैटरी और चार्जर, सब मामले में ये फ़ोन अच्छा है। तो करेंट प्राइस जो है ना पोको M2 की 10,999 रुपये, यानी 11,000 रुपये है। यहाँ पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट इस फ़ोन पर पूरा का पूरा मिल सकता है। इसके अलावा कार्ड लगाएंगे तो 1,000 रुपये और ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये फ़ोन आपको 8,000-9,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा अगर आप एक्सचेंज वगैरह करते हैं। इसके अलावा अगला फ़ोन जो निकल के आता है वो है यहाँ पर रियलमी का, रियलमी नार्जो 20A। अभी अभी ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, यहाँ पर जो नार्जो सीरीज का, मैं 20 सीरीज का ही फ़ोन कलेक्ट कर रहा हूँ, नार्जो 10 सीरीज का कोई फ़ोन कलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर नार्जो 20 में हमको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है नार्जो 20 में, नार्जो 10 के अपेक्षा। तो यहाँ पर नार्जो 20A जो फ़ोन है वो 9,499 रुपये है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर है, 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 5,000 कुछ mAh बैटरी है इसमें। तो यहाँ पर इस फ़ोन पे आपको जो है ना लगभग 500 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल ही जाएगा। इसके अलावा कार्ड वगैरह लगाएंगे तो आपको यहाँ पर ये फ़ोन जो है ना 7,000-7,500 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। बहुत अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, कोई भी इशू इस फ़ोन में नहीं आने वाला है। अगला फ़ोन निकल के आता है पोको X3। अभी भी ये लॉन्च फ़ोन हुआ है, 17,000 रुपये का फ़ोन है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इस पर सेल के दौरान कितना डिस्काउंट मिलेगा, हाँ लेकिन इतना ज़रूर है कि कार्ड पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और एक्सचेंज वगैरह करते तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये 17,000 रुपये वाला फ़ोन हो सकता है आपको 15,000 रुपये में पड़ जाए। 15,000 रुपये में ये फ़ोन बहुत अच्छा फ़ोन है अपने आप में, और सभी फ़ोन्स को ये टक्कर देता है अपने सेगमेंट में। ठीक है, अगला फ़ोन जो निकल के आता है वो निकल के आता है रियलमी नार्जो 20 10,499 रुपये का फ़ोन है। 48 मेगापिक्सल कैमरा हमको इसमें मिल जाता है, वाटर प्रूफ नॉच मिल जाता है, LPDDR4X रैम मिल जाती है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज ये फ़ोन देखा जाए बहुत अच्छा है, 10,500 रुपये का फ़ोन है। 500 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पर मिल सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन कार्ड लगाएंगे तो 1,000 रुपया यहाँ पर ऑफ हो जाएगा। तो ये फ़ोन जो है ना आपको 9,000-9,500 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। अगले फ़ोन
की बात करें तो यहाँ पर रियलमी 6 15,000 रुपये की इसकी करेंट प्राइस है। अभी कुछ दिन पहले इस फ़ोन पे प्राइस कट की गई थी, तो 15,000 रुपये फ़ोन है। और ऐसे में यहाँ पर इस फ़ोन पे लगभग 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल सकता है, 1,500 या 2,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा आप जो कार्ड वगैरह लगाएंगे वहाँ पर भी 1,500 रुपये कम हो जाएगा, तो 3,000 रुपये कम हो जाएंगे। तो ये 12-12.5 या 11,500 रुपये के आसपास पड़ने वाला ये फ़ोन, तो ये समझ लीजिए। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो न्यू लॉन्च फ़ोन है, जो बिल्कुल नए लॉन्च हुए हैं, उन पर फ्लैट डिस्काउंट मिलना मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पर कार्ड लगा के जो है ना वो डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सुपर कॉइन वगैरह हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगला फ़ोन निकल के आता है पोको M2 Pro, 13,999 रुपये का फ़ोन है, और ये भी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, और इस पर जो है ना 1,000 रुपये का लगभग डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसा है 1,000-1,500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप कार्ड वगैरह लगाते हैं तो आपको वहाँ पर छूट मिल जाएगी, और नो कॉस्ट EMI तो इन सभी फ़ोन्स पर मिली जाएगी, ये याद रखिए थोड़ा। तो ये फ़ोन 14,000 रुपये वाला जो फ़ोन है वो आपको 11,500 या 12,000 रुपये में पड़ने वाला है। अब बात करते हैं सबसे बड़े डिस्काउंट यानी कि सबसे बड़े वैल्यू फॉर मनी फ़ोन की। तो ऐसे में यहाँ पर फ़ोन निकल के आता है Redmi K20 Pro। ये एक पिछले साल का फ्लैगशिप फ़ोन है, Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट मिल जाता है, यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 4,500 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, यानी कि ये फ्लैगशिप फ़ोन है, 48 MP मेन कैमरा मिल जाता है, 23,000 रुपये का फ़ोन है, और इस पर कम से कम 2,000 या 3,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसके अलावा कार्ड वगैरह लगाएंगे तो लगभग 2,000 रुपये के आसपास और डिस्काउंट मिल जाएगा हमको, सुपर कॉइंस वगैरह आप लगाएंगे तो ये फ़ोन जो है ना हमको 18-19,000 रुपये के आसपास पड़ना चाहिए, और पड़ेगा भी ऐसा उम्मीद हम लगा के रखते हैं। तो अगर आपको 19,000 रुपये में आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर आपका बजट इतना है तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। अगली फ़ोन की बात करते हैं, यहाँ पर Realme X3, ये भी एक फ्लैगशिप फ़ोन है। पता नहीं इस फ़ोन के साथ क्यों इस तरह का व्यवहार हुआ है, बहुत अच्छा फ़ोन है, 25,000 रुपये की करंट प्राइस इस फ़ोन की, और यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 855 प्लस चिपसेट देखने को मिल जाता है, 64 MP कैमरा मिल जाता है, 120Hz की डिस्प्ले मिल जाती है, यानी कि हर मामले में ऑलराउंडर फ़ोन है। लेकिन इस फ़ोन की बिक्री काफ़ी कम हुई है, और ऐसे में 25,000 रुपये वाला ये फ़ोन है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें प्रॉब्लम फ़ोन में एक दो प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, और यहाँ पर कार्ड लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि मेमोरी कार्ड आप नहीं लगा सकते हो। लेकिन 25,000 रुपये में आपको काफ़ी अच्छी स्पेसिफिक मिल जाती है, 2,000 रुपये कम से कम इस फ़ोन पर ऑफ होना ही चाहिए, और इसके अलावा कार्ड वगैरह लगाएंगे तो आपको ये फ़ोन जो है ना 21-22,000 रुपये के आसपास पड़ेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, इतना डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं IQ3, ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है इसी साल का, और इस फ़ोन में जो है ना आपको Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट देखने को मिल जाता है, 37,990 रुपये कीमत है। लेकिन ये फ़ोन मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि यहाँ पर ये फ़ोन सारे के सारे डिस्काउंट मिला के हो सकता है आपको 29,000 या 30,000 में पड़ जाए। तो अगर 29,000 या 30,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट मिल जाए तो आप इस फ़ोन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। अगला फ़ोन निकल के आता है यहाँ पर Realme Narzo 20 Pro। कुछ दिन पहले ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है ये फ़ोन, और मैं आपको बता दूँ इस फ़ोन की जो हाईलाइट है वो है यहाँ पर 4,500 mAh की बैटरी और 65W की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर, जो फ़ोन को लगभग 35 से 38 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। तो ये जो है ना हाईलाइट इस फ़ोन की सबसे ज़्यादा है, तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हो। 15,000 रुपये का फ़ोन है, और आपको इस फ़ोन में ज़्यादा डिस्काउंट हो सकता है ना देखने को मिले, फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ 1,000 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और ऐसे में अगर कार्ड वगैरह लगाते हैं तो 15,000 रुपये वाला फ़ोन आपको 13,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। अब 13,000 रुपये वाला ये फ़ोन है, और इस फ़ोन में आपको किसी भी तरह का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप गेमिंग करो चाहे आप इसको डेली यूज में लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फोटोग्राफी से लेकर भी। अब यहाँ पर निकल के आता है एक सस्ता वाला फ़ोन Redmi 9i, ये कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, 8,299 रुपये का फ़ोन है, तो इस फ़ोन पे हो सकता है कि 300 रुपये का डिस्काउंट मिल जाए, और ऐसे में कार्ड वगैरह लगाते हैं तो 800 रुपये का डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा, तो 7,500 या 7,500 या फिर 7,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है। बात करते हैं अगले फ़ोन की, Realme 7 Pro। एक तरह से मान लीजिए Realme Narzo 20 Pro ही है, तो आप जो है ना इसके लिए 20,000 रुपये देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधा का सीधा Realme Narzo 20 Pro के लिए चले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर Realme 7
रियलमी 7 जो है ना वो भी 15,000 रुपये का फ़ोन है, पूरा का पूरा एक तरह से मान लिया जाए तो कॉपी करके रख दिया है, सिर्फ कैमरे में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और यहाँ पर चार्जिंग वगैरह में डिफरेंस है। तो 15,000 रुपये का रियलमी नारियो 20 प्रो है, 15,000 रुपये का रियलमी 7 है, दोनों ही फ़ोन में थोड़ा कैमरा में थोड़ा बैटरी में चार्जिंग में अंतर है। तो आप इन दोनों ही फ़ोन में से किसी के लिए जा सकते हो, ये फ़ोन भी आपको 13,000 रुपये के आसपास पड़ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रियलमी 6i जो है ना 14,000 रुपये का फ़ोन है, ये 15,000 रुपये का कुछ दिन पहले ही था, 1,000 रुपये का यहाँ पर फ्लैट कट कर दिया गया है प्राइस। तो अब ये फ़ोन 14,000 रुपये का है, इस पर अगर डिस्काउंट 2,000 रुपये मिलता है और इसके अलावा कार्ड वगैरह मिलाते तो हो सकता है ये फ़ोन आपको 11,000-12,000 रुपये का पड़ जाएगा इस सेल के दौरान। तो ऐसे में ये फ़ोन भी वैल्यू फॉर मनी है, मीराटेक हेलियो G90T चिपसेट देखने को मिल जाता है, कोई भी इशू कहीं पर भी इस फ़ोन में नहीं आने वाला है। तो ऐसे में आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि इनमें से आपको कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा फ़ोन आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं। अगर इस वीडियो में आपका फ़ोन अगर मैंने कवर नहीं किया है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में जवाब देता हूं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं वहां पर आपके सवालों का तुरंत इंस्टेंटली जवाब दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।